हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम छत्तीसगढ़ के सामान्य धन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की जनगणना के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है जी। इसमें हम देखे थे पिछले 7-8 क्वेश्चन, इस मिस क्वेश्चन जो है कवर किए थे पिछले सेशन में, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, आप सभी को छत्तीसगढ़ से मान्य धन सभी एग्जाम के लिए काम आए, चाहे आप PSC की तैयारी कर रहे हों, व्यापम में जिससे हॉस्टल मॉडर्न प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ पुलिस टीचर भर्ती हो गया, उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, सैनिक भर्ती वगैरह हो गया, ठीक है। तो इस सभी एग्जाम के लिए है, मेंस लेवल तक के जो है काम आएगा, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो क्वेश्चन है आज का हमारा, कौन से ज़िले में जनजातियों की, ठीक है, कौन से ज़िलों में जनजातियों के सबसे यहाँ पर जो है कम प्रतिशत जनसंख्या, या आपके जनजाति के मामले में सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या है, महासमुंद, कवर्धा, जांजगीर चांपा, धमतरी या बिला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जांजगीर चांपा, ठीक है। ये जो छत्तीसगढ़ का जो जांजगीर चांपा जिला, यहाँ पे जो है जनजातियों के सबसे जो है कम प्रतिशत, ठीक है, याद रखिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजातियों के सबसे कम जो है प्रतिशत जो पॉपुलेशन है वो जांजगीर चांपा में आपको देखने को मिलेगा। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत जांजगीर चांपा जिले में सबसे कम है, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है उसको बताना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है उसको बताना है। तो ये है जनसंख्या के दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है देश का जो है 16वां सबसे बड़ा राज्य है, ये आपका जो है सही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है जनसंख्या के अगर दृष्टि से देखेंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ 16वां जो है पॉपुलेशन के मामले में 16 जो है बड़ा राज्य है, ठीक है जी। इसके बाद बी देखेंगे, देश के लगभग 2.11% जो है लोग, 2.11% लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, ये भी जो है पूरा डिटेल के साथ पढ़ा है, उसमें डाटा बताया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1956 है, देखेंगे डाटा है। डी है राज्य की साक्षरता जो है दर जो है 70% है, ठीक है, ये सही है आपका, याद रखना है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता दर कितना है, 70% है, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन ये जो है आपका गलत सही नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 956 नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे एक्सप्लेन अगर देखेंगे तो जनसंख्या के दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश का 16वां सबसे बड़ा राज्य है, देश के 2.11% लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, और राज्य की साक्षरता दर 70% है, ठीक है, 70.3%, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित किस समूह में वर्ष 2011 के अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले अंकित है, जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा, दुर्ग, नारायणपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग या बीजापुर, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बताना है वर्ष 2011 के अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले अंकित करने हैं, ठीक है जी। तो कल मैं बताया था, ठीक है जी, कल इसका आंसर भी बताया मैं। तो 2011 के अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक, वाले जिले क्रम से आपका बताया था मैंने जांजगीर चांपा, ठीक है, और आपका नारायणपुर, ठीक है। 18 जिलों के आधार पर सबसे ज़्यादा जो है 2011 में अधिकतम जो जनसंख्या घनत्व जांजगीर चांपा, और न्यूनतम आपका नारायणपुर है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से, रायगढ़, नारायणपुर, जांजगीर चांपा, बीजापुर या आपका सुकमा है। तो इसका सही उत्तर चुनना है 1, 2, 3, 5, 1, 4, 3, 2, इस तरह इसको जो है मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 और 2, चलिए देखते हैं ऑप्शन में, एक मिनट। तो डी ऑप्शन में 3 और 2 है, ठीक है, यहाँ पे 3 और 2 है, 3 और 2 आपका जांजगीर चांपा और नारायणपुर, ठीक है। तो अधिकतम जांजगीर चांपा आ जाएगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका जांजगीर चांपा आ जाएगा, ठीक है। तो डाटा आपको सभी पता सही होना चाहिए। तो 2011 की जनगणना अनुसार क्रमशः अधिकतम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले जांजगीर चांपा है और आपका नारायणपुर है, ठीक है। वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार राज्य कौन से जिले में सर्वाधिक जो है जनसंख्या
पॉपुलेशन जो है वृद्धि हुई है, जनसंख्या वृद्धि हुई है उसको बताना है, आपके रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में या कबीरधाम में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरधाम। ठीक है, तो ये जो यहाँ के जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है जिसको आपका वर्धा के नाम से जानते हैं। तो 2011 के जनगणना अनुसार राज्य के जो है कवर्धा जिले, कबीरधाम जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे हुई है। ठीक है जी, 2011 के जनगणना अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 में साक्षरता का निकटतम प्रतिशत है 69, 70, 71 या 72। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 70। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता प्रतिशत अभी बताए हैं 70% है छत्तीसगढ़ का। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 में साक्षरता प्रतिशत याद रखिएगा 70.28% है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 में, ठीक है, जनगणना 2011 में छत्तीसगढ़ के महिला साक्षरता का निकटतम प्रतिशत कितना है, 60%, 61%, 62%, 63%। तो यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है, यहाँ पे महिला का, ठीक है, ना कि पुरुष का। छत्तीसगढ़ का आपको पता होना चाहिए, महिला पुरुष सभी का पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 2011 में महिला का साक्षरता प्रतिशत लिटरेसी रेट कितना है, 60%। ठीक है जी, 60% ये जो है महिला का साक्षरता प्रतिशत, 60% ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। तो छत्तीसगढ़ जनगणना के अनुसार जो है 2011 में महिला साक्षरता का निकटतम जो प्रतिशत यहाँ पे कितना है, 60%। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले क्रमशः निम्नलिखित है, बलौदाबाजार, मुंगेली, सुकमा, नारायणपुर, जांजगीर चांपा, सही उत्तर चुनना है 1 और 4, 1, 1, 1 और 3, 2 और 3 या 5 और 3। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जांजगीर चांपा और आपका सुकमा। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन, जांजगीर चांपा और आपका सुकमा। ठीक है, जनजाति ये मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले क्रमशः जिले हैं आपका जांजगीर चांपा और आपका सुकमा, मतलब 5 और 3, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो 2011 के जनगणना अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले क्रमशः आपका सुकमा जिला है और आपका दूसरा जांजगीर चांपा जिला। ठीक है, अनुसूचित जाति के मामले में। ठीक है जी, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व क्या है। तो यहाँ पे जो है पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक, मतलब जो है 2011 के जनगणना अनुसार राज्य में जनसंख्या घनत्व, ठीक है, मतलब प्रत्येक 1000 पुरुष के पीछे महिलाओं की संख्या को ही पॉपुलेशन डेंसिटी या जो है जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, 189 याद रखिएगा। ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व जो पॉपुलेशन डेंसिटी 189 है। ठीक है, 189 हमारे छत्तीसगढ़ के जो है जनसंख्या घनत्व है। ठीक है जी, सभी कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार होते हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा, याद रखिएगा। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है पॉपुलेशन डेंसिटी 189 है। ठीक है, 189 याद रखिएगा। 18 क्वेश्चन, चलिए 18वां क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य की कुल निःशक्त जनसंख्या 1/3 केवल निम्न दो जिलों में रहती है, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बस्तर, कोरिया या रायपुर और दुर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर और दुर्ग। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की कुल निःशक्त जो जनसंख्या का 1/3 जो है ये आपका रायपुर और दूसरा आपका जो है दुर्ग जिले में निवास करते हैं, मतलब सबसे जनसंख्या के मामले में 1/3 देखेंगे तो आपके रायपुर में, रायपुर शहर और दुर्ग जिला में निवास करते हैं। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ राज्य की कुल निःशक्त जनसंख्या 1/3 केवल रायपुर और दुर्ग जिलों में रहती है, इसको आपको याद रखना है। 19वां क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों को कौन सा जो समूह लिंगानुपात के घटते क्रम में है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला है जो है ये जो है लिंगानुपात घटते क्रम में, सही घटते क्रम में जमा, तो घटते क्रम में जमाएंगे तो आपको यहाँ पर सही बता रहा हूँ, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और राजनांदगांव। ठीक है, KDRKDR, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो K से कोंडागांव हो जाएगा, D से दंतेवाड़ा हो जाएगा, R से राजनांदगांव, KDR मतलब जो है सी ऑप्शन, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव जिला। ठीक है जी, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, ठीक है, घटते क्रम में जिला आपका कोंडागांव, दंतेवाड़ा, ये आपका जो है, ये आपका ये राजनांदगांव है। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि दो वर्ष 2001 से लेकर 2011 की अवधि में किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है? दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर या आपका जो है कोरिया जिला। ठीक है, 2001 से लेकर 2011 की बात कर रहे थे, इस अवधि में जो है कौन से जिले में जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है, तो आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा में जो है 2001 से 2011 के अगर देखेंगे इस दशक में, तो ये जो है दंतेवाड़ा जिला का जो है वृद्धि दर सबसे जो है कम रही है। ठीक है जी, तो दिए गए विकल्पों में 2001 से लेकर 2011 के अवधि में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 से लेकर तुलना में 2011 में जनसंख्या राज्य में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई 25, 30, 35, 40 या 45? इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, 2001 से लेकर 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य के जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी वृद्धि हुई है 35। ठीक है, 35 सी ऑप्शन जो है यहाँ पर घनत्व जो है जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। तो 2001 से 2001 के तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व में, ठीक है डाटा याद रखिए, 35 की वृद्धि हुई है। जनसंख्या 2001 में जो है घनत्व 154 था। ठीक है, अगर पूछे कि 2001 में जो है छत्तीसगढ़ राज्य घनत्व कितना था, 154 प्रति व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, तथा 2011 की जनसंख्या घनत्व 189 है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है, 2001 में 154, 2011 में 189, मतलब जो है 35 व्यक्ति की इसमें जो है वृद्धि हुई है 2011 में। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में जिला और जनसंख्या, सूची दो में नगरी जनसंख्या है, सूची एक में जिला है, दूसरा में नगरी जनसंख्या सूची दो में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसको कैसे मैच करना है, ये आपका दिया है जिला सुमेलित करना है, तो यहाँ पे चलिए इसको मैच करते हैं। तो आपका दुर्ग का आ जाएगा, दुर्ग का लगभग, तो यहाँ पे देखेंगे दुर्ग जिला का आ जाएगा यहाँ पे जो है 64.15। ठीक है, यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे दुर्ग का आपका डी से आपका दुर्ग 64.15। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा धमतरी, डी से धमतरी आपका कितना आ जाएगा 18.5। ठीक है जी, और इसके बाद जो है राजनांदगांव कितना है, तो आपका जो है 17.73। ठीक है, इसके बाद जो है हम रायपुर में आ जाएंगे, तो आर से रायपुर का कितना है, तो आपका 59.08%। ठीक है, तो अगर देखेंगे इसका, तो यहाँ पे जो है इस तरह इसको जो है बनाना था, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब सदा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जिले में उनके नगरी जनसंख्या प्रतिशत इस प्रकार है, दुर्ग में 64%, ठीक है 64.15% है, धमतरी में 18.65% है, राजनांदगांव में 17.73% है, रायपुर में 59.8% है। ठीक है, तो इस तरह इसको जो है मैच करना था। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या मकानों की कुल जनसंख्या कितनी है, 55 लाख, 61 लाख, 66 लाख या 49 लाख? इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 लाख। याद रखिए, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या मकानों की कुल जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 61 लाख के आसपास है। ठीक है जी, तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या मकानों की कुल जनसंख्या लगभग 61 लाख थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से ज़िले में साक्षरता दर अधिक है, तो आपका दुर्ग जिला। याद रखें, दुर्ग जिले के जो है हमारे छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। ठीक है जी, तो 2011 की जनगणना के अनुसार दुर्ग जिले में साक्षरता दर जो लिटरेसी रेट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है साक्षरता दर दुर्ग जिले का अधिक है, और वहीं न्यूनतम देखेंगे तो आपका बीजापुर का है। ठीक है, दुर्ग का लगभग 79% है, और बीजापुर का 40% है आसपास। ठीक है, ज़्यादा दुर्ग है और न्यूनतम आपका बीजापुर का है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लगभग कितने प्रतिशत परिवारों के पास टेलीविजन सेट है, 37, 31, 25 या 42%? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा लगभग 31% के अनुसार। ठीक है, मतलब 31% जो है
जनगणना 2011 के अनुसार इतना प्रतिशत लगभग जो है छत्तीसगढ़ परिवारों के पास जो है टेलीविज़न सेट है। ठीक है जी, तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के लगभग 31% परिवारों के पास टेलीविज़न सेट है। ठीक है जी, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है जी, और मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।